अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं लाहौरी शाह आज आपके लिए एक नई बाइट लेके आया हूँ। इसमें आप रोहू, गुलफाम, मृगल ये सब पकड़ सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल गुलफाम के लिए बनती है। मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूँ और आसान है, कम पैसों में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। ये व्यूवर्स मकई का आटा ये 50 ग्राम डालना है। ये हमने 50 ग्राम डाल दिया इसमें मकई का आटा। ये हम मैदा डालेंगे इसमें, ये हम डालेंगे इसमें 25 ग्राम। ये एक वक्त के शिकार के लिए ये हम बना रहे हैं रिवर। इसमें हमने डालना है 1 चम्मच नारियल का तेल। ये हमने 1 चम्मच नारियल का तेल डाला। एक चम्मच हमने डालना सोयाबीन ऑयल, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और ये मछली बहुत अट्रैक्टिव होती है इस पर। ये हमने 1 चम्मच वो डाल दिया सोयाबीन ऑयल। इसमें हमने डालना है 1 चम्मच शहद। ये शहद है पुराना और इसकी बहुत खुशबू होती है। ये हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैं आपको इसका मिक्स करने का तरीका बताता हूँ। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि ये यकजान हो जाए सब चीज़ें। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत गुलफाम इस पर बहुत अच्छा लगता है। इसकी हम इस ऐसे भी बना सकते हैं इस चारा, और इसकी हम कच्ची पक्की रोटी भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बना के काट के दिखाता हूँ। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी ऐड कर लिया हमने। इसे जितनी अच्छी तरह से व्यूअर्स हम मलेंगे उतना ही अच्छा इसका ज़्यादा खुशबूदार रिजल्ट बनेगा इसका। और ये चलते पानी में, खड़े पानी में, जहाँ मर्जी आप इस्तेमाल करें, ये कुंडी से नहीं उतरेगा। ये देखिए, हम आप इसकी ऐसे एक रोटी भी बना सकते हैं ऐसे करके। तो हम इसे हल्के हल्का सा कच्चा पका करके तो फिर इसे काट के गुलफाम का भी कर सकते हैं। गुलफाम के लिए बेहतरीन ये चारा है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, पहले मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ कि हम इसे कुंडी पे कैसे लगा सकते हैं। ये 01 की कुंडी है, ये बेहतरीन काम करती है गुलफाम के लिए। ऐसे और हम इसकी रोटी काट के भी दिखाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हमने इसकी पहले बना के रखी हुई थी रोटी, ताकि हम टाइम आपका कम इस्तेमाल हो, इसलिए हम आपको दिखाते हैं। ये व्यूअर्स, हमने इसकी रोटी बना के पहले रखी हुई ताकि हम इसे कैंची के साथ ऐसे काट लें। इसके ऐसे पीसेस कर लें। ये देखिए, हमने इसे काट लिया। अब मैं आपको इसको कुंडी पर लगाने का तरीका बताता हूँ। ये देखें, कुछ लोग कहते हैं कि इसे ऊपर तक कुंडी में भर लेते हैं, उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता। ये 1, ये 2 और ये 3 पीस बहुत होते हैं। और इसका फ़ायदा होता है कि जैसे ही दाना से मछली ऐसे मुंह मारती है तो इसमें फंस जाती है आसानी के साथ, उसे परेशानी नहीं होती। ये देखें जी बबर, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें। और अगर आपको कोई अच्छा चारा या किसी भी चीज़ मछली के शिकार के मुतलक मालूमात लेनी हो तो मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपको अच्छा करूँगा। ये ऐसे चीज़ें, बेहतरीन चीज़ें बना बना के आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह।